2 मई 2011 को अमेरिका ने सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारा था, और इस मिशन के लिए जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था वो था चिनूक। तो पाकिस्तान के लिए शायद फिर से डरने की बात है, क्योंकि अब वायुसेना में शामिल हो गया है चिनूक हेलीकॉप्टर। तो कैसे बचेगा मसूद अजहर? बहरहाल आज हम आपको बताने जा रहे हैं चिनूक की कीमत के बारे में और इस डील के बारे में पूरी जानकारी। तो बने रहिए बिस्तक के साथ। वायुसेना प्रमुख PS धनोआ ने 4 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को आज भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया है। BS धनोआ ने इन हेलीकॉप्टर्स को भारत के लिए बहुत जरूरी और देश के लिए एक धरोहर बताया है। साथ ही इन हेलीकॉप्टर्स को नंबर 126 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन यानी कि लाइट फेदर्स में शामिल किया गया है। देखते हैं इस पे हमारी ये खास रिपोर्ट। चिनूक हेलीकॉप्टर की ताकत और उपयोगिता बताते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा, चिनूक हेलीकॉप्टर सैन्य अभियानों में प्रयोग किया जा सकता है। सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी प्रयोग हो सकता है चिनूक। इसकी दूसरी यूनिट पूर्व में दिनजान असम में होगी। चिनूक को वायुसेना में शामिल करना गेम चेंजर साबित होगा, ठीक वैसे ही जैसे फाइटर क्षेत्र में राफेल को शामिल करना। चिनूक के भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने से न केवल सेना की क्षमता बढ़ेगी बल्कि कठिन रास्ते और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने में भी इसका अहम योगदान होगा। नॉर्थ ईस्ट में कई रोड प्रोजेक्ट सालों से अटके पड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय से एक हैवी लिफ्ट चॉपर का इंतजार कर रही है, जो इन घनी घाटियों में सामग्री और जरूरी मशीनों की आवाजाही कर सके। यह आइकॉनिक ट्विन रोटर चॉपर युद्ध में अपनी जरूरत को कई बार साबित कर चुका है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स को वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान और इराक तक के युद्ध में इस्तेमाल किया जा चुका है। सबसे पहले चिनूक हेलीकॉप्टर को 1962 में उड़ाया गया था और तब से अब तक इसकी मशीन में बड़े अपग्रेड हो चुके हैं। फिलहाल ये दुनिया के सबसे भारी लिफ्ट चॉपर में से एक है। चिनूक हेलीकॉप्टर 9.5 टन तक का कार्गो ले जा सकता है। इसमें आर्टिलरी लाइट वेट व्हीकल्स भी शामिल हैं। ये घनी पहाड़ियों में जहां पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, जहां मुश्किल से ही हेलीकॉप्टर जा पाते हैं, वहां आसानी से चला जाया करता है। इसीलिए ये हर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे देशों के पास चिनूक हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई चिनूक हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है। तो अब आते हैं ब्रास टैक्स पे, यानी कि एंड कॉस्ट कितनी पड़ेगी इन सब हेलीकॉप्टर्स की। तो ये पूरी डील 20,600 करोड़ भारतीय रुपए की है। इसमें 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, जिसमें से 4 की ऑलरेडी डिलीवरी हो चुकी है, वो वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। वायुसेना में शामिल हुए 4 हेलीकॉप्टर्स चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। टोटल 15 हेलीकॉप्टर्स यानी कि 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स आने हैं, जिनकी कीमत है लगभग 1.5 बिलियन US डॉलर्स। तो ये थी नए हेलीकॉप्टर चिनूक के बारे में सारी जानकारी। भारतीय सेना मजबूत हो और आगे बढ़े। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट वरुण अवस्थी। धन्यवाद।